नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। भगवान राम का असली धनुष, जी हाँ, भगवान राम के असली धनुष के विषय में कहा जाता है कि वो आज भी धरती पर मौजूद है। तो आज की इस हैरान कर देने वाली वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर भगवान राम का वह असली धनुष कहाँ पर रखा हुआ है और आखिर कितना बड़ा है। कहा जाता है कि वह धनुष बहुत ही बड़ा था, उसे भगवान राम के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता था, इतना बड़ा था वह धनुष। तो इसी से आप कल्पना कीजिए कि वह धनुष कितना विशाल काय रहा होगा। इससे पहले कि हम भगवान राम के उस धनुष के विषय में समझे, पहले हमें समझना होगा कि आखिर वह धनुष जो है वो कैसे बना, आखिर उस धनुष के बनने के पीछे की असली कहानी क्या थी। सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण के विषय में। जी हाँ, रामायण को लेकर बहुत सारी भ्रामक बातें कही जाती हैं, बहुत सारी रामायण को लेकर अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। एक समय में अंग्रेजों ने रामायण को लेकर बहुत सारा भ्रम फैलाया, रामायण को जो है उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि रामायण कोई वास्तविक घटना नहीं अपितु एक कपोल कल्पित कथा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक महाकाव्य है। परंतु बाद में जब इसके साक्ष्य मिले, बाद में जब इसके प्रमाण मिलते चले गए, तो वह जो प्रमाण थे, वह जो साक्ष्य थे, वो सीधे सीधे उन अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा था जो ये कहते थे कि रामायण जो है वह कोरी कल्पना है, यह वास्तविक नहीं है। तो एक नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिले हैं जिसपे देखा गया है कि रामायण जो थी वो सच में घटी थी। एक समय में, सच में त्रेता युग के समय में जब भगवान राम यहाँ पर थे, तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी। आज भी उसके साक्ष्य मिल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इसको लेकर के शोध हो रहे हैं, वैसे वैसे रामायण के साक्ष्य मिल रहे हैं। आज उन्हीं साक्ष्यों में से एक जो कि भगवान राम का धनुष था, उसी विषय पर हम विस्तार से आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि उस धनुष को 10,000 राजा भी नहीं उठा पाए थे। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि वह धनुष कितना विशाल काय था, कितना बलशाली था। दरअसल एक समय में राजा जनक जी ने यह जो धनुष था वो माता सीता का जब स्वयंवर हुआ था उसमें भी रखा गया था। यानी कि यह वही धनुष था जिसे राजा जनक जी ने सीता स्वयंवर में रखा था। और उसकी शर्त यह थी कि जो भी महापुरुष या जो भी बलशाली योद्धा या जो भी बलशाली राजा उस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही माता सीता से विवाह करेगा। यानी कि उस स्वयंवर का यही शर्त था। तो कहा जाता है कि वहां पर कुल मिलाकर 10,000 राजा थे, और कहा जाता है कि 10,000 राजा मिलकर भी उस धनुष को ना उठा सके। कथा आती है कि एक एक करके सभी राजा उस धनुष को उठाने लगे, कोई भी राजा उस धनुष को ना उठा सका। उठाने की बात तो दूर छोड़िए, कोई भी राजा उस धनुष को हिला तक ना सका। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि वह धनुष कितना भारी रहा होगा, कितना विशाल काय रहा होगा, आखिर उसके भीतर क्या अद्भुत शक्ति थी। तो इससे पहले कि हम उस धनुष के विषय में समझे कि आखिर वो आज कहाँ रखा गया है, पहले हम इस धनुष के बनने की कहानी को समझना होगा कि आखिर यह धनुष बना कैसे था। एक बार की बात है, कर्ण नामक एक ऋषि बहुत समय से घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि तपस्या करते करते उन्हें हजारों वर्ष बीत गए। कहा जाता है कि जब वह तपस्या कर रहे थे तो समय बीतने के साथ साथ उनके शरीर पर मिट्टी का एक बाम भी बनता चला गया, यानी कि उनका पूरा शरीर जो है वह मिट्टी से ढक गया। क्योंकि वह तपस्या में लीन थे तो उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि उनके शरीर पर मिट्टी ने डेरा डाल दिया है, यानी कि मिट्टी की बाम्बी में उनका शरीर तब्दील हो गया। तो कहा जाता है कि उसी मिट्टी के बाम्बी पर कुछ बांस उगाए थे। दरअसल बांस एक घास होता है जिसे दुनिया के सबसे लंबे घास के रूप में भी जाना जाता है। तो बांस एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि पौधा ही होता है जो आमतौर पर आपने देखा होगा कि आसपास के वनों में उगता है, और उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। तो कहा जाता है कि उसी बाम्बी पर वह बांस उगाए, कई बांस वहां पर उग गए। तो तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए, और ऋषि कण्व के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कुछ आशीर्वाद दिए। तब ऋषि कण्व ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया और वो वहां से चले गए। तो ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि जो इनके शरीर पर यह बांस उगाया है, ये कोई सामान्य बांस तो है नहीं, तो आखिर इस बांस का सही उपयोग क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक युक्ति लगाई और विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी के आह्वान पर विश्वकर्मा जी तत्काल प्रभाव से वहां पर प्रस्तुत हुए। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को वह बांस समर्पित करते हुए, यानी कि उन्हें सौंपते हुए कहा कि आप इन बांस के पौधे से कुछ ऐसे शस्त्र बनाइए जो अभेद्य हो, यानी कि जो महाप्रलय कर सकते हो, बहुत ही भयानक अस्त्र हो। तो विश्वकर्मा जी ने क्या किया कि वो बांस लिया और सीधे स्वर्ग चले गए। स्वर्ग जा करके उन्होंने दो भयानक अस्त्रों का निर्माण किया, यानी कि विश्वकर्मा जी ने उन बांस के माध्यम से दो धनुषों का निर्माण किया। धनुष का नाम सारंग था जिसे विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। वहीं दूसरे धनुष का नाम पिनाक था जिसे भगवान विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित। तो कहा जाता है ये जो धनुष थे वो उन्हीं बांसों से बने थे, और कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे भयानक अस्त्रों में से एक थे। तो पिनाक जो है भगवान शिव को सौंपा गया, क्योंकि पिनाक जो धनुष था वो बहुत ही प्रलयकारी था। उसके विषय में कहा जाता है कि उसकी टंकार मात्र
से बादल फट जाते थे, धरती फट जाती थी, पूरी प्रकृति जो है वह हिल उठती थी। तो आप इसी से कल्पना कीजिए कि वह कितना भयानक था। इसीलिए उसे भगवान शिव को सौंपा गया, क्योंकि और कोई व्यक्ति उसको धारण करने के योग्य नहीं था। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि भगवान शिव ने उस धनुष को जो है परशुराम जी को सौंप दिया, क्योंकि भगवान शिव उस धनुष को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। भगवान शिव ने उस अस्त्र के माध्यम से, उस धनुष के माध्यम से कई असुरों का वध भी किया था। तो अब भगवान शिव को ऐसा लगा कि यह धनुष उनके पास रखना उचित नहीं होगा। तो भगवान शिव ने जो है वह धनुष जो है परशुराम जी को सौंप दिया। परशुराम जी ने वह धनुष कुछ दिन तक रखा। तो परशुराम जी के मन में ऐसा विचार आया कि इस धनुष को अब राजा जनक को दे देना चाहिए, क्योंकि राजा जनक जो थे वो भगवान परशुराम के बहुत बड़े भक्त भी थे और कहीं ना कहीं उनका एक संबंध भी था। तो इसीलिए परशुराम जी ने वह जो धनुष था वो सीधे सीधे राजा जनक को दे दिया। तो राजा जनक ने वह धनुष लेकर के अपने पास रख लिया। एक दिन की बात है कि राजा जनक जब अपने महल में थे और उस कक्ष में गए जहां पर वह धनुष रखा हुआ है, उनके साथ उनकी पुत्री सीता भी थी। उस समय माता सीता बहुत ही छोटी आयु की थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनकी उम्र लगभग 1 या 2 वर्ष रही होगी। तो अचानक क्या हुआ कि माता सीता ने वह जो पिनाक धनुष था वो एक झटके में उठा लिया। ये सब देख करके राजा जनक दंग रह गए, क्योंकि वह धनुष भगवान शिव, परशुराम और राजा जनक के अलावा और कोई भी नहीं उठा सकता था। ये देखकर कहीं ना कहीं राजा जनक की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उन्हें लगा कि सीता कहीं ना कहीं कोई साधारण कन्या नहीं है, कहीं ना कहीं एक विशेष अवतार ही है। तो राजा जनक ने यह तय किया कि अब इसका विवाह उसी से होगा जो यह धनुष उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो आपके मन में यहां पर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो धनुष स्वयंवर में रखा गया था, आखिर जब उसे भगवान शिव, राजा जनक और परशुराम के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता था, तो आखिर वह धनुष उठा करके कौन लाया होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं कि वह धनुष वहां पर लाकर माता सीता ने स्वयं रखा था, जहां पर, जिस स्थान पर वह धनुष रखा गया था, जहां से भगवान राम ने उसे उठाकर तोड़ दिया था, तो वहां पर ला करके स्वयं माता सीता ने ही रखा था। क्योंकि माता सीता, भगवान शिव और परशुराम जी के अलावा वह धनुष कोई भी नहीं उठा सकता था, और चौथे थे भगवान राम जो वो उठा सकते थे। तो भगवान राम तो वहां पर उपस्थित नहीं थे, तो माता सीता ने ही वहां पर ला करके उस धनुष को रखा था। तो ये कहानी थी उस धनुष की, कि किस प्रकार से वह धनुष बना और कैसे वो राजा जनक के दरबार तक पहुंचा। कहा जाता है कि बाद में भगवान राम वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसे उठा करके सीधे तोड़ डाला, और तोड़ करके उस पर प्रत्यंचा जैसे ही भगवान राम चढ़ा रहे थे तभी वह धनुष टूट गया। कहा जाता है उसके टूटने से पूरी पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति बन गई, पूरे प्रकृति में एक हाहाकार मच गया। कहा जाता है जब वह धनुष टूटा तो उसके कुछ टुकड़े आसपास बिखर गए थे। उसके बाद भगवान परशुराम वहां पर बौखलाते हुए आए, और वो संवाद आप सभी जानते होंगे किस प्रकार से भगवान राम और भगवान परशुराम में संवाद होता है और कैसे फिर बाद में भगवान परशुराम चले जाते हैं। तो कहा जाता है कि वो टुकड़े आज भी धरती पर मौजूद हैं। पिनाक धनुष के कुछ टुकड़े आज भी धरती पर देखे जा सकते हैं। जी हाँ, ये टुकड़े मौजूद हैं नेपाल के धनुषा मंदिर में। दरअसल नेपाल में एक धनुषा मंदिर है, क्योंकि जो स्वयंवर हुआ था वो नेपाल में ही हुआ था। उस दौरान जो जनकपुर था वो नेपाल में ही आता था, और वहीं के राजा थे राजा जनक। तो कहा जाता है कि वो जो मंदिर है धनुषा मंदिर, वहीं पर उसके कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। दरअसल पिनाक धनुष के जो टुकड़े उस दौरान टूट करके वहां बिखर गए थे, वो आज पत्थर का रूप ले चुके हैं, यानी कि वो जो है पत्थर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो कहा जाता है कि वहां बड़े बड़े कई सारे पत्थर देखने को मिलते हैं। वही जो है वो पिनाक धनुष के हिस्से हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वही जो है वो पिनाक धनुष के टुकड़े हैं जो आज स्पष्ट रूप से इस धनुषा मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो ये रामायण से जुड़ा एक बहुत बड़ा साक्ष्य है कि कहा जाता है कि भगवान राम का जो वह धनुष था वो आज धरती पर मौजूद है, वो कहीं और नहीं बल्कि नेपाल के धनुषा मंदिर में स्थित है, और वहां पर आप जाकर के स्पष्ट रूप से उसके अवशेष देख सकते हैं जो आज पत्थर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंचे कि रामायण को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, रामायण को लेकर वर्षों से जो भ्रम फैलाए गए, रामायण को लेकर जो अनर्गल बातें की गई, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई भी तथ्य नहीं था। और आज जो रामायण से धीरे धीरे साक्ष्य मिल रहे हैं वो अब दुनिया को हैरान कर रहे हैं। इसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है, और अब सिद्ध हो चुका है कि रामायण कोई कोरी कल्पना नहीं, कोई महाकाव्य नहीं, अपितु एक वास्तविक सत्य था, जिसे कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने दबाने का प्रयास किया और उन षड्यंत्रकारियों ने दबाने का प्रयास किया, जो नहीं चाहते थे कि हमारा सच्चा इतिहास हम तक पहुंचे। तो हम जुड़ते हैं अति शीघ्र किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई हैरान कर देने वाली कथा के साथ। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम ऐसी ही रोचक कहानी, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच लाते रहते हैं। हम जुड़ते हैं अति शीघ्र, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। धन्यवाद।